नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह, नाम ब्रेन बूस्टर स्कूल। मैं आज हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले WHO की परिभाषा के अनुसार हेल्दी कौन है उसके बारे में वह इंसान जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो वही हेल्दी पर्सन कहलाता है। तो हेल्दी पर्सन बनने के लिए जब हम जानकारी लेंगे तो आजकल लोग ये समझते हैं जिसका शरीर स्वस्थ है वह हेल्दी है। तो हेल्दी रहने के लिए लोग अच्छा भोजन करना ही पर्याप्त समझते हैं, लेकिन केवल भोजन ही स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए हमको मेंटली फिट होने की ज़रूरत है। जब मैंने ब्रेन की ट्रेनिंग की तो मुझे पता चला कि स्वास्थ्य मानसिक होता है। मैं अपने अस्वस्थ होने का कारण खुद हूँ। हम यूटिलाइज करते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, बुखार है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अस्वस्थ होते जाते हैं। यदि हम अफर्मेशन करें और अच्छा सोचें अपने बारे में तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ होने के लिए संकल्प, दिनचर्या, खान पान, प्राणायाम, व्यायाम एवं कृतज्ञता के भाव ही जरूरी है। सामाजिक मेल जोल, सबके साथ प्रेम, ये भी स्वस्थ रहने में अत्यंत उपयोगी है, सहयोगी है, सहायक है। अतः स्वस्थ रहने के लिए इन सब पर स्वस्थ हो सकते। स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे पहले अपने खान पान, दिनचर्या, प्राणायाम, सोच, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम इन सब पर ध्यान देते हैं, आहार, विहार, व्यायाम, प्राणायाम और खुद का ज्ञान, खुद की जानकारी, अति आवश्यक। अतः स्वस्थ रहने के लिए हमें ये सब करना जरूरी है। इसके लिए एक ट्रेनर की जरूरत होती है। यदि आप एक अच्छे ट्रेनर के माध्यम से उनके निर्देशन में यदि ये सब कार्य करते हैं तो बिना दवा के आप स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ
कुछ अफर्मेशन दिया जाता है, जिसको रोग हो गया है वह भी अफर्मेशन एसोसिएशन के माध्यम से ठीक हो सकता है। कुछ एक्सरसाइज बताए जाते हैं, प्राणायाम करने को कहा जाता है, भिन्न भिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न एक्सरसाइज और एसोसिएशन का माध्यम दिया जाता है, जो बिल्कुल केमिकल फ्री होता है, जिसे आप घर में खाते हैं उसी से हम एसोसिएट कर आपको अफर्मेशन के माध्यम से स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के म्यूजिक सुनाए जाते हैं, कुछ मंत्राच को सिखाकर बोलने को कहा जाता है। नेचुरली तरीके से हम बॉडी को स्वस्थ करते हैं। हमारा बॉडी सबसे अच्छा डॉक्टर है। डिटॉक्सिफिकेशन मेरा बॉडी करता है, हीलिंग का पावर मेरे बॉडी में है। यदि हम उसको सिर्फ चांस दें, समय दें, तो वह अपने आप को खुद हीलिंग कर लेता है। हमारी अनियमितता अपने ऊपर ध्यान न देना कि उसके हीलिंग पावर को, डिटॉक्सिफिकेशन को के पावर को इफेक्टेड करता है। हम एक्सटर्नली सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली सफाई नहीं कर पाते। खान पान में गड़बड़ी के कारण हमारा पेट खराब होता है। पेट खराब हो जाने से हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है, दिमाग में प्रॉब्लम आता है, आलस आता है, क्रोध आता है। तो भोजन से ही ये सभी नकारात्मक विचार आते हैं। कि हम अपने भोजन को सुधार लें, नियम संयम व्यायाम प्राणायाम एवं अपने सोच को कंट्रोल कर नियमित अपने ऊपर ध्यान देते हुए कार्य करें, तो कार्य की सफलता के साथ साथ हमारा मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक एवं सामाजिक ये सभी स्वास्थ्य अच्छे होंगे। इसके लिए कृतज्ञता का भाव यदि हम व्यक्त करते रहें, तो कृतज्ञता के भाव व्यक्त करने मात्र से हमें तीन सुखों की प्राप्ति होती है। हमारा शरीर स्वस्थ होता है, धन की प्राप्ति होती है, संबंध अच्छे होते हैं। हमारे संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण संसार के लोगों की ये तीन आवश्यकताएं हैं। इन तीन आवश्यकताओं के लिए लोग सही और गलत कार्य करते हैं। तो सिर्फ कृतज्ञता के भाव मात्र से ही ये तीनों सुख मिल सकते हैं। कुछ ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक मैं बताता हूं, जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठने की आदत करें। दूसरा 6:30 बजे से पहले नित्य क्रिया से
से निवृत्त हो जाए। तीसरा, कृतज्ञता की आदत डालें। चौथा, सॉलिड को लिक्विड की तरह, लिक्विड को सॉलिड की तरह ग्रहण करें, यानी यदि रोटी को खाना है तो रोटी को कम से कम 32 बार चबाकर उसे लिक्विड बना लें, और जल को सॉलिड की तरह लें, यानी घूट घूट करके जल पिए। जल हमेशा नॉर्मल होना चाहिए या गुनगुना होना चाहिए, ठंडा जल कभी ग्रहण ना करें, फास्ट फूड से दूर रहें, सांस लेने का तरीका सीखें। सांस हम जब लें तो पेट को बाहर आना चाहिए, यदि सांस को छोड़ें तो पेट को अंदर जाना चाहिए। सोते समय पूरे दिन भर जो एक्टिविटी किए हुए हैं उसको विजुलाइज करें, क्रमवाइज विजुलाइज करें, इससे मेंटली आप स्वस्थ होंगे, आपका दिमाग बढ़ेगा, और सोने से पहले जो आप चाहते हैं अच्छे विचार के बारे में सोचें, और लास्ट में रिवर्स काउंटिंग 1000 to 1 काउंट करते हुए सो जाएं। ये सभी क्रियाएं करने मात्र से आप बिना दवा के स्वस्थ रह सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।